नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के निषादपुरा थाने में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। निषादपुरा थाना उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी दूध का व्यापार करता था। आरोपी युवती का रिश्तेदार है। परिचित होने की वजह से आरोपी युवती के घर आना जाना था। 2 साल पहले युवती को घर में अकेला पाकर उसने युवती के साथ गलत काम किया। युवक हमेशा युवती से शादी करने के वादे करता रहा। युवती के घर जब युवक के शादी का कार्ड पहुंचा तब युवती ने उससे बात की तो उसने कहा वो पत्नी से तलाक लेकर युवती से शादी करेगा और उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा। इसकी जानकारी युवती ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सर, एक थाना निषादपुरा में 376 का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये थाना अंतर्गत एक युक्ति रहती है, उसका कोई रिश्तेदार है जो दूध का व्यापार करता है, दूध बेचने का। तो उसकी जान पहचान हो गई, तो रिश्तेदार भी था तो घर में आना जाना था। तो उसने घर में अकेले पाके दो साल पहले उसके साथ में गलत काम किया। तो उसने बोला कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा और शादी का वादा करता रहा कि अब आने वाले समय में कर लूँगा, 1 साल बाद कर लूँगा, मेरे पापा की तबीयत खराब हुई ठीक हो जाएगी तब कर लूँगा। अभी जब उसको शादी का कार्ड पहुँचा उस लड़के का, तब उसको उसने बोला उससे कि तुझे शादी कर ली, मुझे धोखा दिया है। तो उसने बोला मैं पत्नी से तलाक ले लूँगा और तुझसे शादी करूँगा। उसके बाद में फिर उसके साथ में कई बार झांसा देकर बलात्कार किया, उसके साथ गलत काम करा। फिर उसने बच्ची ने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने उसको हिम्मत दिलाया, फिर थाने आई, कल दिन उसने एफआईआर लॉन्च करवाई। आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जारी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।